हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एमसीयू की सबसे पावरफुल फीमेल कैरेक्टर के बारे में। मुझे मालूम है कि आप लोगों में से आधे से ज्यादा ये सोच रहे होंगे कि वो तो वांडा मैक्सिमोफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वांडा की जो पावर्स है उनकी कुछ लिमिटेशंस है, वो फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट सिविल वॉर में तो वांडा ने एक सोनिक अटैक के सामने घुटने टेक दिया था। वहीं अगर हम हेला की बात करें तो थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर जब थॉर ने गणनीर से हेला को स्टैब किया था, तो अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि इसका ड्रेस और वो खुद भी वहां पे हील अप कर जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि गणनीर वो वेपन है जिसका इस्तेमाल ओडिन करते थे अपने ओडिन फोर्स को चैनलाइज करने के लिए, तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना पावरफुल वेपन है। थॉर रैग्नारॉक मूवी के अंदर हमें पता चलता है कि ओडिन अपने फुल पावर के साथ भी उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन से नहीं मार पाते हैं, इसीलिए वो उसे मैजिक से कहीं पर कैद कर देते हैं, और ये उस कैद से तभी आजाद होती है जब वो मरते हैं। एंड वापस आकर वो जो सबसे पहला काम करती है, वो हमारे देश में हर एक घर में होता है कि बड़ी बहन अपने छोटे भाई के सबसे प्यारे चीज को नष्ट कर देती है। बट जिस चीज को वो नष्ट करती है वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं रहती है, वो था म्योनिर। अब म्योनिर की बात करें तो म्योनिर को वहां पर उसने मैजिक से डिस्ट्रॉय नहीं किया था। अगर आप स्लो मोशन में देखें तो यहां पर वो धीरे धीरे से प्रेस करती है और फिर उसे क्रश डाउन कर देती है। अब म्योनिर की क्या लिमिट है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन थॉर ने जो सोकोविया के ऊपर अटैक किया था जिससे वो पूरी तरह से उड़ गया था, वैसा करने के लिए उसे नहीं भी तो 463.854 मेगाटन्स ऑफ टीएनटी लगेंगे। और न्यूटन्स की थर्ड लॉ माने तो हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है, तो म्योनिर जितनी जोर से स्ट्राइक कर सकता है उतना एनर्जी वो सह भी सकता है। तो एक वीकेंड हेला जो कि अभी अभी कैद से बाहर आई थी, उसने एक हाथ से 463.854 मेगाटन्स ऑफ टीएनटी जितना एनर्जी डिलीवर किया था। उसके अगले ही पल वो झटके में बायफ्रॉस्ट के अंदर घुस जाती है और उसके अंदर जाके थॉर के साथ थोड़ी मोड़ी हाथाफाई करती है, लेकिन ये कुछ खास फीट है नहीं। बट जैसे ही वो एस्गार्ड जाती है, वो एस्गार्ड में मौजूद उसके आर्मी के हर एक मेंबर को वहां पर अकेले खत्म कर देती है। अब ये जो कैरेक्टर है ये 1500 साल से कहीं पर कैद थी, और कैद से आते ही वो पहले म्योनिर डिस्ट्रॉय करती है, उसके बाद एस्गार्ड की सारे आर्मी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जो कि उसकी फाइटिंग स्किल्स को दर्शाता है। और यहाँ पर थॉर 5 साल तक नहीं लड़ा था, तो उसके बाद जाके जब वो थानोस से लड़ता है तो उसके सामने थोड़ा फीका पड़ जाता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि हेला कास्केट ऑफ विंटर्स को वीक बोलती है, जो कि थॉर 1 मूवी के अंदर हम लोगों ने देखा था कि उसकी कैपेबिलिटी इतनी थी कि उसने पूरे विलेज को एब्सोल्यूट जीरो तक फ्रीज कर दिया था, एंड इस वेपन को नहीं भी तो प्लेनेटरी लेवल तक यूज किया जा सकता है। गणनीर जो कि ओडिन का प्राइम वेपन था, उसे भी थॉर उसे लेकर उसे स्टैप करता है, लेकिन इससे भी उसे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट आगे हम देखते हैं कि जब थॉर अपने फुल पोटेंशियल में आ जाता है और वो अपने पावरफुल अटैक्स भी करता है, तो भी उस पे कोई असर नहीं पड़ता है। अब थॉर कितना पावरफुल हो जाता है, इस बात का अंदाजा यहां पे लगाया है कि थॉर 1 मूवी में वो इस ब्रिज को तोड़ने के लिए कितने बार हैमर मारता है, लेकिन यहाँ पर वो एक स्ट्राइक में बायफोर्स ब्रिज को तोड़ देता है। बट इससे पहले हम देखते हैं कि हेला थॉर और वल्करी को अकेले ही संभाल ले रही होती है। अब वल्करी का स्ट्रेंथ लेवल तो हमें मालूम नहीं, क्योंकि उसकी कोई खास फीट हमें देखने को मिली नहीं आज तक, लेकिन हम उसे हल्क का आधा या फिर उसके आधे का आधा यानी कि 1/4 तो मान ही सकते हैं, क्योंकि इसी मूवी के अंदर हमें दिखाया जाता है कि वल्करी हल्क को एक किक से नीचे गिरा देती है। और तो और इतिहास गवाह है कि थॉर की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन हल्क है, तभी तो आज तक हल्क वर्सेस थॉर का कभी कोई क्लियर विनर आज तक हमें देखने को नहीं मिला है, चाहे वो कॉमिक्स हो या मूवीज हो। तो ऐसे में हम मान सकते हैं कि थॉर की जो स्ट्रेंथ लेवल होगी वो ऑलमोस्ट इक्वल टू होगी हल्क की। अब हल्क की बात करें तो कुछ समय पहले ही हमने उसका स्ट्रेंथ निकाला था, तो उस अपडेटेड वीडियो में हमें ये जानने को मिलता है कि उसकी मैक्सिमम स्ट्राइकिंग स्ट्रेंथ नहीं भी तो 5291 मेगा टन्स होगी। अब अगर हम थॉर को उसके लेवल का मान के चल रहे हैं और वल्करी को 1/4 तो उसे 1.25 से गुना कर देते हैं, जो कि 6613 मेगा टन्स होंगे। एंड ये इतना है कि 500 किलोमीटर के रेंज में जितने भी लिविंग बींग रहेंगे ऑलमोस्ट मर जाएंगे। अगर आप दुनिया के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक जगह रख कर फोड़ दें तो उसके ब्लास्ट से जो एनर्जी निकलेगी ऑलमोस्ट उतना। हालांकि लिफ्टिंग वेट की बात करें तो वो भी थॉर से ज्यादा ही होनी चाहिए, और थॉर ने इन्फिनिटी वॉर में नीडावेल के रिंग्स को फिर से स्टार्ट किया था। अब बात करें नीडावेल के रिंग्स की, तो उनका वजन करीब 7.49 बिलियन टन्स होगा, और ये करीब टाइटैनिक के वेट से 1,43,241 टाइम्स ज्यादा है। और हेला ने अपने एक हाथ से थॉर को एक सीन में रेजिस्ट किया
था तो हेला करीब नहीं भी तो 14.98 बिलियन टन्स उठा सकती है। इसके अलावा अगर हम हेला के रिएक्शन टाइम की बात करें तो उसने थॉर के लाइटनिंग को एकदम क्लोज रेंज में ब्लॉक किया था। अब एक कैलकुलेशन के अनुसार उसे ऐसा करने के लिए नहीं भी तो Mach 438 के स्पीड से मूव करना होगा। ये इंडिया में हाल ही में आए रफाल फाइटर जेट से 243 टाइम्स फास्टर है। सॉरी क्विक सिल्वर, शायद हेला तुमसे ज्यादा फास्ट है। हेला ने उसके बड़े बड़े ब्लेड से स्कर्ज के आर्मर तक को काट डाला था और अगर हम मार्वल विजुअल डिक्शनरी की बात माने तो स्कर्ज का जो आर्मर की जो प्लेटिंग है वो उरू से बनी थी। तो इससे आप समझ ही सकते हैं कि ना सिर्फ हेला बल्कि उसके वेपन्स भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ड्यूरेबल वाले हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट यह निकलता है हेला की एक पंच या फिर एक किक एटलीस्ट नहीं भी तो 6.6 गीगा टन्स ऑफ एनर्जी डिलीवर कर सकती है। इसके अलावा वो 14.98 बिलियन टन्स उठा सकती है और वो Mach 438 के स्पीड से शॉर्ट डिस्टेंसेज पे मूव कर सकती है, यानी कि उसका जो रिफ्लेक्स या फिर रिएक्शन टाइम आप कह सकते हैं। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा आज का ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। आगे आप किस कैरेक्टर के स्ट्रेंथ वीडियो देखना चाहते हैं या फिर किस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए सजेस्ट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पुराने हैं तो बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी कोई मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। आगे तो आपको मालूम ही है जो कि हमारे चैनल का मोटो है, लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।